फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि हम बाल गोपाल के मुकुट कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 7 मुकुट बनाकर रेडी किए हुए हैं। आज मैं आपको इन 7 मुकुटों को कैसे बनाना है वो सिखाऊंगी और इनकी पूरी डिटेलिंग के साथ मैं आपको बताऊंगी। तो जैसा मैंने आपको मेरे पहले की वीडियोस में बताया हुआ है कि कृष्ण भगवान से रिलेटेड मैं बहुत सी चीज़ें आपको सिखाने वाली हूँ। तो ये है उसका पार्ट 3, जिसमें मैं आपको मुकुट बनाना सिखाऊंगी। पहले मैं आपको उनकी पोशाक और उनकी मटकियाँ भी बनाना सिखा चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो जाइए और देख लीजिए। और उसके अलावा मैंने सारी डेकोरेशन, ब्लाइंड बैग ओपनिंग्स और भी बहुत से हैंडीक्राफ्ट आइडियाज़ भी दिए हुए हैं। मेहंदी क्लासेस के ट्यूटोरियल्स, कार्टून डिज़ाइनिंग, अगर आपने वो सब नहीं देखे तो जाइए और अभी देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको मुकुट बनाना सिखाऊंगी। तो ये हमारे मुकुट है जो मैंने बना के रेडी किए हैं। तो चलिए मैं आपको इन्हें बनाना सिखाती हूँ। तो सबसे पहला हमारा मुकुट है ये। ये हमारा सबसे फर्स्ट मुकुट है। ये मैंने कैसे बनाया है, एक गोल्डन कार्डबोर्ड लेकर उसे डिज़ाइनर वे में कट किया है। उसके बाद उसे हमने नेट के क्लॉथ से कवर किया है, नेट के क्लॉथ से कवर किया है और उसके बाद उसे लेसेस से डेकोरेट किया है। यहाँ पर मैंने एक पाइपिन टाइप की गोल्डन लेस यूज़ की है और यहाँ पर मैंने कुछ हैंडमेड लीव्स यूज़ किए हैं। मैंने क्लॉथ को राउंड शेप में राउंड करके पूरा ये लीव्स बनाई है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये लीव्स बनाना सिखाऊँ तो आप मुझे कॉमेंट्स में कॉमेंट करके बता सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक सिल्वर कलर का इस तरीके से बूटी टाइप मोटिफ लगाया है और ये मैंने यहाँ पे इसे पर्ल से डेकोरेट किया है। ये गोल्डन मुकुट है हमारे कृष्ण भगवान के लिए। उसके बाद जो हमारा अगला मुकुट है वो है सिल्वर। ये हमारा अगला मुकुट है। तो ये हमारा गोल्डन मुकुट है और ये हमारा सिल्वर है। इसके लिए मैंने एक कार्डबोर्ड को सिल्वर नेट से कवर किया है और उसको गोल्डन नेट से कवर किया था और इसे मैंने ब्लू लेसेस से सजाया है और यहाँ पर मैंने एक सिल्वर फ्लावर यूज़ किया है। मैंने एक फ्लावर मेकिंग का वीडियो भी दिया है, अगर आप वैसे फ्लावर यूज़ करते हैं तो भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पर मैंने एक पर्ल भी लगाया है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा मुकुट है वो है ये। ये जो मुकुट है ये मैंने एक शीट को फोल्ड किया और उस पर इस तरीके से लेसेस लगाई। मैंने जो पाइपिंस होती हैं वो लेसेस लगाई और ये हैंडमेड लीव्स है जो मैंने यहाँ पर लगाई है और इसे फिर से मैंने ये पाइपिन से आगे की तरफ से कवर किया है। यहाँ पर मैंने एक फ्लावर लगाया है और यहाँ मैंने पर्ल्स यूज़ किए हैं। पर्ल्स आप ज़रूर यूज़ करें या कोई स्टोन तो डेफिनेटली यूज़ करें, बिकॉज उससे जो चमक आती है उससे बाल गोपाल के मुकुट बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ये मुकुट है, ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है और हमारे सारे मुकुटों की तरह ये भी बहुत ईजी है बनाना। इसके लिए मैंने एक ऑरेंज शीट को राउंड वे में मोड़ा, उसके बाद उसे लेसेस को यहाँ पे डबल फोल्ड करके लगाया और उसके बाद एक गोल्डन शीट को मैंने इस तरीके से कट किया है और उसे ऑरेंज स्टोन्स और एक पर्ल बीच में लगा के ऐसे पेस्ट किया है। आई होप कि आपको ये सारे मुकुट अच्छे लगेंगे। मैंने इन्हें बहुत मेहनत से बनाया है और इन्हें बनाने में मेरी मदर ने मेरी बहुत हेल्प की है। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मुकुट है वो है ये। ये मैंने जो है एक शीट को अगेन फोल्ड करा है, गोल्डन शीट को, उसके बाद उस पर इस तरीके से एक चौड़ी लेस लगाई है। मैंने चौड़ी लेस लगाई है और यहाँ पर इस तरीके से जो मैंने यहाँ पे पर्ल्स लगाए हैं इसे डेकोरेटिव लुक देने के लिए, यहाँ पर मैंने एक बूटी यूज़ की और ये जो हमारा इस मुकुट का डेकोरेटिव सबसे सुंदर पार्ट है, मैंने गोल्डन शीट को इस तरीके से फोल्ड किया है और उसको लेस से डेकोरेट किया है। उसके बाद ये जो मुकुट है ये हमारे छोटे कान्हा जी का मुकुट है। इसके लिए मैंने इस क्राउन को कैसे बनाया है, एक गोल्डन शीट को जिगजैग वे में कट किया है और उसे लेसेस से सजाया। ये लेस मैंने इसके अकॉर्डिंग ही कट की है और इसे इसके अकॉर्डिंग ही लगाया है। ये हमारे छोटे बाल गोपाल के लिए है।
उसके बाद जो हमारा लास्ट मुकुट है वो है ये, इसे भी मैंने इसी तरीके से बनाया है, गोल्डन शीट को फोल्ड किया है पीछे से, इस तरीके से इसकी फोल्डिंग दी है मैंने, ये थोड़ी डिफरेंट फोल्डिंग है, ऐसी बहुत अच्छी लगती है फोल्डिंग। उसके बाद ये हमारे यहाँ पे मैंने लेस लगाई है, और यहाँ पे मैंने अगेन हैंडमेड लीफ यूज़ की है, इसको स्टोन से डेकोरेट किया है और एक मोती भी लगाया है। ये हैंडमेड लीव्स बहुत ईजी है बनानी, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन्हें बनाना सिखाऊं, सो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डेफिनेटली बताएं। और आपको इनमें से कौन सा मुकुट सबसे अच्छा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज का ये मेरा वीडियो था जिसमें मैंने आपको बाल गोपाल का मुकुट बनाना सिखाया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाइए और अभी देखिए, कृष्ण भगवान से रिलेटेड भी बहुत से वीडियोज़ हैं, ब्लाइंड बैग्स ओपनिंग है और हैंडीक्राफ्ट्स भी हैं। सो बाय गाइज़।